बेटी रिद्धिमा कपूर के मुंबई पहुंचते ही ऋषि कपूर के क्रियाक्रम से संबंधित पूजा को किया जा रहा है। नीतू कपूर और बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर को रविवार को अलग अलग पूजा व कर्मकांड और बाण गंगा के घाट पर देखा गया। बताया जा रहा है कि परिवार ने यहां ऋषि की अस्थियां विसर्जित की हैं। यही नहीं, रविवार को ही ऋषि कपूर की प्रार्थना सभा रखी गई। बाद में सामने आए एक वीडियो में नीतू, रणबीर और रिद्धिमा को एक घाट किनारे पूजा करते देखा गया। वहाँ पर वे तीनों पंडितों से घिरे थे। तीनों ही मुंह पर मास्क लगाकर पूजा कर रहे थे। ऋषि कपूर के प्रेयर मीट की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा लोग भगवान से ऋषि कपूर के परिवार को हिम्मत देने की कामना भी कर रहे हैं। जबकि बाण गंगा घाट से आए वीडियो में कहा जा रहा है कि रणबीर के दोस्त अयान मुखर्जी और आलिया भट्ट यहाँ पहुँचे थे। नीतू कपूर और रणबीर कपूर ने घर पर दिवंगत दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के लिए प्रेयर का आयोजन किया। लॉकडाउन के कारण इस प्रेयर मीट में घर के लोग ही शामिल हुए। इस दौरान नीतू कपूर और रणबीर कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें दोनों ऋषि कपूर की तस्वीर के पास बैठे उनकी याद में खोए दिखाई दे रहे हैं। फोटो में रणबीर को पगड़ी और कुर्ता पहने हुए देखा जा सकता है। वहीं नीतू इस दौरान पूरी तरह से खोई खोई दिखाई दे रही हैं। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल को मुंबई के सर HN रिलायंस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ था। ऋषि की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी शहर में मौजूद नहीं थी, मगर वो अब अपने घर मुंबई पहुंच चुकी हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद पहली बार शनिवार को उनकी पत्नी नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतू ने बेहद कम शब्दों में अपने दिल का हाल बयां करते हुए सभी को इमोशनल कर दिया। नीतू ने ऋषि की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, हमारी कहानी का अंत। इसके साथ ही नीतू कपूर ने दिल वाले इमोजी भी बनाए। नीतू के इस पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, साथ ही ऋषि कपूर की आत्मा की शांति की दुआएं भी कर रहे हैं। ऋषि कपूर के निधन की जानकारी सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में दी थी। उन्होंने बताया था कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो टूट चुके हैं और उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी।